बस्तर में दशहरा के अवसर पर मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मां दंतेश्वरी का मंदिर दंतेवाड़ा में जो कि 52वें शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है। इसके अलावा जगदलपुर और कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर में भी स्थित है। बस्तर रियासत के राजाओं ने स्थान पर मां दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण कराया था। तब से अब तक इस मंदिर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV24। मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी। मैं आपके लिए आज पहुंचा हूं बस्तर दशहरा की खास कवरेज को लेकर कोंडागांव जिले में। कोंडागांव जिले से 50 किलोमीटर दूर आज ये हमारी कवरेज है। हमारी कवरेज बस्तर दशहरे से जुड़ी हुई जो स्थान है बड़े डोंगर, माँ दंतेश्वरी का ये अलौकिक दिव्य स्थान है। इस स्थान पे आज हमारी कवरेज है। हमारा आना इसलिए भी हुआ है यहाँ पर क्योंकि इस जगह को लेकर हमारी दो जो कहानियां हैं उसको लेकर आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पहली कहानी बस्तर रियासत से जुड़ी है, बस्तर राज परिवार से जुड़ी है, बस्तर दशहरे से जुड़ी है। दूसरी कहानी जो है सतयुग के समय से जो माँ दुर्गा है और महिषासुर वध को लेकर जुड़ी हुई है। ये जो मेरे पीछे आप स्थान देख रहे हैं ये माँ दंतेश्वरी मंदिर जाने का रास्ता है। इस यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से होते हुए पर्वत पे चढ़ते हैं और उस पर्वत पे माँ दंतेश्वरी शक्ति के रूप में विराजमान है। ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि इस पर्वत के और शिखर पे माता दुर्गा और महिषासुर के साथ जो है भीषण युद्ध हुआ था और महिषासुर को यहाँ का वध कर माँ दुर्गा ने संसार को मुक्ति दिलाई थी महिषासुर के आतंक से। आइए हम आपको लिए चलते हैं माँ दंतेश्वरी के दिव्य अलौकिक स्थान में जो बड़े डोंगर है उस स्थान पे। कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर में बस्तर रियासत के राजाओं ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। यहां पर राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ साथ विभिन्न त्योहारों पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत बड़े डोंगर क्षेत्र से की गई थी। आज भी जोगी बिताई की रस्म की जाती है। यहां के फूल से बस्तर दशहरा की आज भी रस्म की जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारी बस्तर दशहरा की कवरेज है उसको लेके आज हम कोंडागांव जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर बड़े डोंगर में पहुंचे हैं। यहाँ पर बस्तर दशहरे से जुड़े हुए आपको हम वो चीज़ें दिखाएंगे जिसको यहाँ से भी जिसका हिस्सा जुड़ता है। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये दंतेश्वरी माता मंदिर है। ये प्रवेश द्वार है माता मंदिर का और अंदर में माँ दंतेश्वरी विराजमान है। यहाँ लोग जो है दूर दराज से पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। इस मंदिर की स्थापना जो सालों पहले जो बस्तर रियासत के राजा हैं उन्होंने करवाया था। ये कुछ शिलालेख है, उस समय इस शिलालेख को यहाँ पे अंकित करके गढ़वा दिया गया था। ये जो देख सकते हैं आप ये भी शिलालेख है। कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं और जैसा कि लोग बताते हैं कि इस जो पहाड़ है उस पहाड़ में महिषासुर और माता दुर्गा के साथ युद्ध हुआ था। आप वहाँ भी पद चिन्ह है, ये माता दंतेश्वरी के पद चिन्ह है। आप इस चीज को दंतेश्वरी जो मंदिर है दंतेवाड़ा में वहाँ भी आपको ये देखने मिलेगा, वहाँ भी माता दंतेश्वरी के पद चिन्ह है। तो हम आपको अंदर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि माता दंतेश्वरी के दर्शन करने इस ऊंचे स्थान में पहाड़ में भी चढ़कर लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हम आपको माँ दंतेश्वरी के जो है दर्शन कराएंगे। आप देखिए ये जो है ये गर्भ गृह की ओर जाता हुआ रास्ता है और हम पहुंचेंगे और माता जी के दर्शन कराएंगे। आप देखिए ये जो बस्तर के पूर्व राजा है स्वर्गीय श्री प्रवीर चंद वन देव उनकी प्रतिमा है यहाँ पे छाया चित्र है। उसके अलावा माँ दंतेश्वरी श्रीराम जी यहाँ पे नौग्रह स्थापित है। तो ये जो विधि विधान से यहाँ पे माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है यहाँ पे भी जो है सिर जो पुराने समय से यहाँ पत्थरों में जो उकेरे गए जो है भगवान के जो है स्वरूप हैं आप देख सकते हैं। यहाँ भी माता जगदम्बा के जो है अलग अलग जो मूर्तियाँ स्थापित हैं
और ये जो तमाम जो मूर्तियां आप देख रहे हैं यहाँ स्थापित है, और ये हम आपको गर्भगृह की ओर ले चल रहे हैं। ये देखिए, ये माँ दंतेश्वरी जो है बड़े डोंगरगढ़ में स्थापित हैं, ये गर्भगृह है। यहाँ से वो माँ दंतेश्वरी लोगों को अपना जो है दर्शन दे रही हैं। यहाँ लोग जो दूर दराज से पहुँचते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, माँ दुर्गा माँ भगवती दंतेश्वरी उनकी सारी मनोकामना को पूरी करती हैं। यहाँ पे स्थानीय जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि माँ दंतेश्वरी के बारे में आप बताइए क्या आस्था है, कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने पहुँचते हैं। जी, यहाँ मंदिर में अभी देवी की आस्था जो माने अपना वो श्रद्धा लेके आता है तो उसके लिए उतना ही इसका आस्था बनी रहती है माँ, और कितना ही मन्नत भी पूर्ण होगा है। कब से ये मंदिर बना है पंडित जी? रियासत काल से। आप कब से पूजा कर रहे हो? हम परंपरा दादी पर दादी से आगे करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितने पीढ़ी आप लोग की बीत गई यहाँ? हमारी 3 पीढ़ी। उसके पहले भी? पहले अब पहले का मालूम नहीं, 3 पीढ़ी। एक यहाँ पे पंडित जी और हैं, ये माँ दंतेश्वरी के बारे में आप और बताइए कि कितनी श्रद्धा है यहाँ के लोगों में। यहाँ माई दंतेश्वरी आदि काल से यहाँ प्रचलन है, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दीपक भी जलाते हैं, बहुत बाहर से विदेश से भी आ जाते हैं। अपना छत्तीसगढ़ के तो आते ही, एमपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं यहाँ, और सभी का मनोकामना यथाशक्ति माता जी पूर्ण करते हैं, और बहुत दूर दूर से आते हैं। ये अभी बीच में तो इसका ये नहीं था, लेकिन 1995 से जब से कलश स्थापना चालू हुआ ना, वहाँ से अभी तक दिनों दिन बढ़ते जा, हर वर्ष मतलब उन्नति में है। अच्छा, यहाँ भीड़ बढ़ रही है? भीड़ बहुत बढ़ रही है। देखिए, ये माँ दंतेश्वरी के प्रति लोगों में कितनी अपार जो आस्था है कि दूर दराज से भी लोग पहुँचते हैं और उनकी जो मनोकामना है माँ दंतेश्वरी पूरा करती हैं। हम आपको और भी जो ये आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पर्वत में ऐसा बताते हैं लोग, स्थानीय लोग, कि यहाँ पर महिषासुर और माता दुर्गा में आदिकाल में सतयुग के जमाने में यहाँ पर युद्ध हुआ था, और महिषासुर का वध करके माँ दंतेश्वरी माँ दुर्गा ने लोगों को जो है आतंक से महिषासुर के मुक्ति दी थी। हम आपको वहां भी ले जाएंगे और दिखाएंगे। जी, स्थान को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में एवं जी पर्वत पर मंदिर स्थापित है, वहाँ पर माँ दुर्गा शक्ति के द्वारा महिषासुर वध का जिक्र भी यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। TV24 की टीम यहाँ पहुँचकर बस्तर दशहरे से जुड़े इन स्थान की खास कवरेज की है। वो स्थान है जिसके बारे में हम आपको पहले बता रहे थे, ये पर्वत का शिखर है जिसे भैसा दोह के नाम से जाना जाता है, ऐसा लोग यहाँ पे बताते हैं। उसके बारे में भी हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये आप एक देख रहे होंगे घेरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप जूम करके आप दिखाइए, देख सकते हैं कि कुछ चिन्ह दिख रहा होगा। ये ऐसा कहा जाता है कि ये माता दुर्गा का पद चिन्ह है। सनातन युग में जब महिषासुर राक्षस का जो आतंक पूरे पृथ्वी और देवलोक में था, उस समय माता दुर्गा इसी स्थान पे अवतरित हुई थी, और जो महिषासुर राक्षस था उससे इस क्षेत्र में भीषण युद्ध की थी। और जब युद्ध हुआ था तो उस समय जब इस पहाड़ पे आपको हम विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे भी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भैंसा जो वो महिषासुर ने जो अपना मायावी स्वरूप लिया था भैंसे का, उसके खुर के निशान देखने को मिलेंगे। ये भी उन्हीं में से एक चिन्ह है जिसमें लोग यहाँ पे पूजा अर्चना की हैं, चावल अच्छा चढ़ाए हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको ऐसे चिन्ह देखने को मिलेंगे। जब इस इलाके में भीषण युद्ध हुआ तो उस युद्ध में माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया, देवलोक को पृथ्वीलोक को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। ऐसा लोग बताते हैं कि ये वही इलाका है जहाँ पर महिषासुर के गर्दन को धड़ सिर को अलग करके माता जी ने जब किया था, तो वो इलाका ये है जहाँ से उनका सिर गिरा था। और आप देख सकते हैं कि ये जो
गड्ढा नुमा जो इलाका है वो महिषासुर के सिर गिरने से बना है। उसके बाद उस सिर को नीचे धकेल के महिषासुर के आतंक का अंत माता दुर्गा ने किया था। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम समझते हैं कि क्या कहानी है उस क्षेत्र के बारे में और कितनी मान्यता है, कितना लोगों में आस्था है। क्या नाम है भैया आपका? जी भुवनेश्वर पुजारी। क्या है यहाँ के बारे में? अब पौराणिक कथा और हमारे पूर्वजों के बताने के अनुसार कि माँ दुर्गा वो जो क्षेत्र है जहाँ पर माता जी का चरण है जी, वहाँ पर अवतरित हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस क्षेत्र में महिषासुर पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाया हुआ था और यहीं पर रह करके उसका आवास स्थान था, इसलिए माता जी ने इसी स्थान को चुना था। और इसी स्थान में पूरे पहाड़ का जो क्षेत्र है इसमें ये पूरा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को या इस पहाड़ को महिषाद्वंद के नाम से जाना जाता है। बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के इसको भैंसाद्वंद अभी कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इसका वास्तविक नाम महिषाद्वंद है, क्योंकि महिष और माँ दुर्गा का यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कहीं फेंके थे, सर कट के गिरा था, कौन सा ये वही स्थान? जी जी जी, वहाँ से युद्ध करते करते यहाँ तक आए और यहाँ आकर के इसी स्थान पर उसका सिर है जो धड़ से अलग हुआ था और उसका जो सर और धड़ नीचे गिर गया है। तो आप देख रहे थे कि ये इस स्थान के बारे में यहाँ की मान्यताएं हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि बस्तर के दशहरा को लेके हैं, बस्तर के दशहरा का जो शुरुआत है, रियासत जो परंपरा है यहाँ से चली आ रही है, उसके बारे में क्या है? देखिए यहाँ की जो परंपरा है बस्तर की दशहरे के परंपरा से मिलती जुलती है। ऐसा कहा जाता है पहले यहाँ बस्तर दशहरा का संचालन होता था। जिस प्रकार विश्व प्रसिद्ध जो जगदलपुर में बस्तर का दशहरा होता है, वहाँ पर नवरात्र के पहले दिन राज परिवार के द्वारा जोगी बिठाई की रस्म होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जोगी बिठाई की रस्म होती है। यहाँ पर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से कन्हार गाँव का कश्यप परिवार का एक राशन पूरा लेकर यहाँ पर आते हैं और निराहार ध्यान मग्न होते हैं। इस मंदिर के जो पहाड़ी में जो माँ विराजमान है, इसके नीचे तराई में वे डेरा में वे जोगी के रूप में बैठते हैं। उनका उद्देश्य ये रहता है कि देश में खुशहाली हो। ये जो क्षेत्र है बस्तर की रियासत से कैसा जुड़ा है, राजाओं से कैसा जुड़ा है, उन राज परिवार से कैसा जुड़ा है, उसके बारे में बताएं। रियासत काल में यह महाराजा पुरुषोत्तम देव के समय यह बस्तर की राजधानी हुआ करती थी, और इस लोक मान्यता है कि यह देव लोक है। जब सतयुग में जब महिषासुर ने यहाँ पर त्राहिमाम मचा दिया था, तो देवताओं के आग्रह पर माँ पार्वती ने यहाँ पर दुर्गा का रूप लिया और यहाँ पर उनके महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच संग्राम हुआ और यहाँ पर माँ ने महिषासुर का वध किया, जिसके पदचिन्ह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। माँ के पदचिन्ह आप देख पाएंगे, भैंस के पदचिन्ह हैं, शेर के पंजे के निशान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी प्राचीन स्थल है, और मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में कई सारे मंदिर हैं। पास में आलोर करके एक मंदिर है जहाँ पर संतान की मनोकामना पूर्ण होती है। और भी यहाँ पे जो माता की आस्था ऐसी कि केवल छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं, बाहर से भी लोग आकर ज्योति कलश की स्थापना करते हैं। और कुछ यहाँ पे टेंपल कमेटी के भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं आपको एक विजुअल के माध्यम से दिखा देता हूँ कि ये सुरम्य स्थान है। जैसा कि इससे पहले हमारे जो बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये देवलोक है, तो निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र को देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपको यहाँ दर्शन के साथ साथ पर्यटन के भी लाभ मिल सकता है। पर्यटन आप इस मेरे पीछे आप इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे में आप दिखाइए कि ये बस्तर की वादियां आप देखिए, आपको ऐसे नजारे बस्तर के कोने कोने में देखने को मिलेंगे। ये जो क्षेत्र है ये देवलोक के क्षेत्र की तुलना जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको माना भी जा सकता है। मैं टेंपल कमेटी से भी बात करने की कोशिश करूंगा। भैया यहाँ पे माई दंतेश्वरी का स्थान है, माँ दंतेश्वरी स्वयं विराजी हैं, और क्या यहाँ पे लोगों में आस्था है, कितने लोग यहाँ पे पहुँचते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे अभी बताया जा रहा था कि हमारा जो बड़े डोंगर क्षेत्र है पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो माता जी का जो स्थान है, जो एक
पहाड़ में विराजमान है और ये बहुत लगभग 1700 ईस्वी से जो बस्तर का जो दशहरा यहाँ मनाया जाता है, जो बस्तर में भी मनाया जाता है और उसी तरह यहाँ बड़े डोंगर में मनाया जाता है। और जैसे बस्तर दशहरा में यहाँ से जो फूल ले जाते हैं तभी वहाँ का बस्तर का दशहरा जो प्रारंभ किया जाता है। कोंडागांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बड़े डोंगर की पहाड़ी पर मां दंतेश्वरी विराजमान है। मान्यता है कि बड़े डोंगर महाराजा पुरुषोत्तम देव के समय में ये बस्तर रियासत की राजधानी बनी, लेकिन इसका इतिहास इससे भी प्राचीन है। बस्तर दशहरे को कई बार दुनिया का सबसे लंबा त्योहार भी कहा जाता है। माना जाता है ये अनोखा त्योहार 13वीं शताब्दी में बस्तर के चौथे राजा राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। दशहरा उत्सव स्थानीय देवी दंतेश्वरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। यहाँ बस्तर रियासत से जुड़े सिंहासन भी मौजूद हैं, जिसमें बैठकर राजा का राज तिलक किया जाता है, जहाँ जगदलपुर की तरह ही जोगी बैठाई की रस्म चलती आ रही है। 75 दिनों का लंबा ये दशहरा देश में कहीं और नहीं मनाया जाता है। बस्तर के कोने कोने में आप भगवान के होने का, भगवान की उपस्थिति के प्रमाण देखते हैं। इसी क्षेत्र में कई स्थान हैं। एक स्थान जैसे कि बताया कि आलोर है, हमने चैनल के माध्यम से उसको भी दिखाया था, जहां पर निसंतान दंपत्ति अपनी संतान की कामना को लेकर पहुंचते हैं और उनकी संतान की मनोकामना भी पूरी होती है। बस्तर माँ दंतेश्वरी का क्षेत्र है, यहां माँ दंतेश्वरी आराध्य के रूप में विराजती हैं। बस्तर के जो राज परिवार हैं उनके जो पहले राजा थे अन्नमदेव, उन्होंने बस्तर के इस क्षेत्र में भी माँ दंतेश्वरी की स्थापना की। उन्होंने जगदलपुर में भी माँ दंतेश्वरी के मंदिर की स्थापना की। दंतेवाड़ा में भी उन्होंने माँ दंतेश्वरी की स्थापना की। तो ये जो क्षेत्र है माँ दंतेश्वरी माँ दुर्गा की स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। और कुछ और भी जो है भक्त यहाँ बताना चाह रहे हैं। जी बताइए। जैसे आपने अभी राज परिवार का जिक्र किया, तो ऐसी लोक मान्यता है कि यहाँ पर राज परिवार ने ही यहाँ पर माई जी की स्थापना की थी, तो जो राज परिवार की भी यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि नीचे जो है इसी कारण राज अभिषेक भी नीचे होता है। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने महिषासुर का वध किया था। और मैं बताना चाहूँगा यह जो बड़े डोंगर क्षेत्र है, चारों ओर पहाड़ियों के बीच में पहाड़ी के ऊपर में माँ विराजमान है और चारों ओर जंगल मौजूद है, तो आदिवासियों में ऐसी मान्यता है कि जगह जगह देवी देवता हैं और 33 कोटि की देवी देवता यहाँ पर निवास करती है, ऐसी मान्यता। बस्तर रियासत के उत्तराधिकारियों का राज तिलक किसी स्थान पर किया जाता है। राजा पुरुषोत्तम के द्वारा यहाँ वर्षों पहले राजा सिंहासन का निर्माण कराया गया, जो आज भी स्थान पर मौजूद है। यहाँ पर राजा दरबार भी मौजूद है, इसी सिंहासन पर बैठकर राजा का राज तिलक करते हैं। स्थान पर एक बड़ी शील मौजूद है जिसे किडनी पत्थर के रूप में जाना जाता है। इस पत्थर की विशेषता यह है कि इसमें अगर किसी चीज से ठोका जाता है तो उसे टन टन की आवाज आती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये बहुत पहले खजाने का संदूक था जो अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। स्थान में अन्य जो सिलाई है उसे इस तरह ठोकने से आवाज नहीं आती। यहाँ पहुँचने वाले भक्त इसमें सिक्के चिपकाते हैं और सिक्का चिपक भी जाता है। जोगी बिठाई रस्म। बड़े डोंगर में रियासत काल से चली आ रही परंपरा आज भी जिले के बड़े डोंगर में भक्तों के बीच आस्था का केंद्र बना है। जिस तरह से जगदलपुर के मंदिर परिसर में नवरात्र के प्रथम दिन जोगी मिठाई की रस्म राजा परिवार की मौजूदगी में होती है, ठीक उसी तरह बड़े डोंगर में पहाड़ी पर विराजित माता दंतेश्वरी की आस्था में कन्हारा गांव का कश्यप परिवार सन 1414 से लगातार माता की आराधना में जोगी के रूप में निहार ध्यान मग्न होता आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को देवी धाम कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों सालों से अनेक माता के मंदिर स्थापित किए गए हैं। इन देवी मंदिरों में माँ दंतेश्वरी को बस्तर की आराध्य देवी कहा जाता है। दंतेश्वरी शक्ति पीठ में दंतेश्वरी मंदिर के साथ साथ जगदलपुर शहर में और कोंडा गांव में बड़े डोंगर में भी सैकड़ों साल पुराना मंदिर स्थापित है। कोंडा गांव में स्थित इस मंदिर की ये मान्यता है कि सदियों पहले पृथ्वी पर महिषासुर का आतंक हुआ करता था। महिषासुर मायावी होने के चलते छल कपट और प्रचंड से आतंक मचा रहा था।
महिषासुर के आतंक का अंत करने के लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई और माँ दुर्गा महिषासुर के बीच इसी पहाड़ी पर अनवरत कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में महिषासुर प्राण बचाने भागा। माँ दुर्गा पहाड़ी के ऊपर स्थित पत्थर में खड़े होकर महिषासुर को चारों ओर निहारने लगी, जहाँ एक विशाल पत्थर में ऊपर माँ दुर्गा के पैर और शेर के पंजे के निशान आज भी मौजूद है। माता के पद चिन्हों की आस्था से पूजा की जाती है। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध होने के चलते पहाड़ी को स्थानीय हल्बी बोली में भैंसा द्वंद या द्वंद कहते हैं। बड़े डोंगर का पहाड़ी महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध स्थल कलाकंतर में यहाँ की राजाओं द्वारा रियासत काल में माँ दंतेश्वरी का मंदिर बनवाया गया। बताया जाता है कि यहाँ पहाड़ी में अंधेरी सुरंग है जिसे रानी दर गुफा कहते हैं। बड़े डोंगर क्षेत्र के स्थान पर मौजूद पर्वत को भैंसा दौन या भैंसा ढूंढ पर पहाड़ कहा जाता है। स्थान पर सिंह के पंजे और पैसिस के कुरकुरे के निशान जगह जगह मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग बताते हैं कि पृथ्वी में जब महिषासुर का आतंक बढ़ा था तब यहां पर माँ दुर्गा एवं मायावी असुर के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इस दौरान सिंह द्वारा हमला करने से पंजे का निशान बना हुआ है। कोई माँ दुर्गा से बचने के लिए भागते भैंसा के और पैरों के निशान पर्वत पर बन गए हैं। यहाँ एक स्थान ऐसा भी है जो चट्टान के किनारे में गद्दा नुमा बना हुआ है। लोग ऐसा बताते हैं कि माँ ने जब महिषासुर की मायावी स्वरूप को भैंस के सर को धर से अलग कर दिया था, वो सर उस स्थान पर गिरा जिस वजह से वहाँ ये गड्ढा हो गया। इस पर्वत पर जगह जगह आपको ऐसे निशान देखने को मिल जाएंगे एवं भैंस के खूर के निशान पर्वत की शिलाओं पर जगह जगह मौजूद है। तो देखिए, ये मान्यता है इस क्षेत्र की, इसलिए बस्तर जो है वो सबसे अलग है। बस्तर के लोग भी अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको वो चीजें मिलेंगी जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और इस स्थान में जब लोग पहुँचते हैं तो अपनी कामनाओं को लेकर पहुँचते हैं, माता के सामने अपनी कामना रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं और माँ उनकी कामना को भी पूरा करते हैं। इसके लिए जब लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो अपनी ज्योति कलश की स्थापना करते हैं। लगभग 1500 से भी अधिक यहाँ पे ज्योति कलश की स्थापना की हुई है। दंतेवाड़ा जो स्थान है वहाँ पर भी लगभग 8000 जो है ज्योति कलश की स्थापना की गई है। तो माँ जब इनकी कामनाओं को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी विकास और विश्वास बढ़ता है। दंतेवाड़ा, बस्तर और ये जो क्षेत्र है बड़े डोंगर, उस इलाके में भी माँ यहाँ पर विराजित होकर लोगों को दर्शन देती हैं। कोंडागांव से धीरेन तिवारी, TV 24।